ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से कहा, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, सबसे बड़ा यज्ञ कन्या का विवाह होता है, सबसे बड़ा दान पुण्य अगर माना गया है तो कन्या का दान माना गया है, इसलिए आप जब इस पृथ्वी पर कन्यादान कर लोगे तब ब्रह्मदेव आपका मंदिर इस पुष्कर राज की धरा पर पूजनीय हो जाएगा, उस मंदिर का आनंद हो जाएगा। तब ब्रह्मदेव सतयुग त्रेता सब निकलता चले गया, द्वापर आ गया और ब्रह्मदेव ने विचार करा, अब मैं किसका कन्यादान करूं। तब देव ऋषि नारद ने कहा, उसी पल उसी घड़ी देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और बरसाने की राधा रानी के साथ में बाल्यावस्था में जिस विवाह को कोई नहीं जानता, केवल एक ब्रह्मदेव जानते हैं, केवल एक नारद जी जानते हैं, केवल एक राधा जानती और केवल एक कृष्ण जानते हैं, बाल्यावस्था में भगवान ब्रह्मदेव ने नारद जी की साक्षी में भांडिर वन में बैठकर राधा जी का कन्यादान कर दिया। तब जाके ब्रह्मदेव का पूजन पुष्कर राज की धरा पर प्रारंभ हो गया। तब जाकर प्रारंभ सहजता नहीं है महाराज, उसको समझना।